आमों के नीचे सोना छिपा हुआ है इसमें। ओ पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ओ साले आम लेके भाग रहे तस्कर। तो आज हम थार लेके जाएंगे। सो गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका को इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। चलिए शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत दिन की। तो भैया आज जो है सुबह सुबह ही अब निकल चुके हैं हम घर से बाहर, निकल के निकल ही रहे बस, और थार अपनी ले लिए, थार की चाबी ले ली है, थार को निकालते हैं क्योंकि बहुत दिन से मैंने थार नहीं चलाई थी। तो मेरा मन कर रहा था उसे चलाते हैं, कल भी सेम से बोला था, बस उन्होंने बोला कि नहीं एक्सयूवी लेके चलते हैं, तो ठीक है। पर आज अभी जो है हम जा रहे हैं, मतलब मैं और शैम्पू जा रहे हैं बाहर घूमने। अभी देखो कहीं जाना नहीं था, कुछ ऐसा काम नहीं था, पर सुबह सुबह आज कुछ काम था भी नहीं, मतलब एडिटिंग वेडिटिंग सब कुछ हो चुकी थी और अभी लगभग 9 बज रहे थे। मैं कि चलो एक छोटा सा एक गेड़ी मार के आते हैं एक जगह कहीं पर, ऐसे कहीं भी घूम के आ जाएंगे आसपास में, और थोड़ा सा थार चला के आते। मतलब कभी कभी मेरे को होता है कि यार ये वाली गाड़ी भी चलानी है, क्योंकि मेरे को थार में अलग मजा आता है। चलो फिर चलते हैं। चलते हैं। बाकी यार कुछ भी कोई, इस गाड़ी में जब भी मैं बैठता हूँ ना, तो मुझे ऐसा फील होता है कि मतलब एक अलग सी फीलिंग आती है इस गाड़ी में। 7 डॉलर ठीक है, वो एक लग्जरी है, उसका एक बहुत अलग फील है, और इस गाड़ी का एक बहुत ही अलग फील है। मतलब मुझे इसको चलाने में एक पर्सनली बहुत मजा आता है। आई थिंक इसमें जो जितने पैसेंजर बैठते हैं उनको शायद इतना मजा ना आता है इसमें बैठने में, पर अपने को चलाने में बड़ा मजा आता है भाई। ऐसे पूरा बॉडी रोल के साथ चलती ना, मतलब किसी को होता ना कि बॉडी रोल में गाड़ियाँ बहुत मजा आता है कि हाँ, और ऐसा होता है सबसे ऊंचे भाई साहब दूसरी मंजिल में बैठ के सबको देख रहे हैं, तो एक अलग ही फील है इस गाड़ी का। चलो भाई थोड़ा सा घूम के आते हैं, लगभग 9:12 हो गए। शैम्पू जी को मैंने बुला लिया फोन करके, शैम्पू जी भी आ चुके हैं, और चलो घुमा के लाते हैं इस गाड़ी को। पूरे 15 मिनट बाद देख लो, 15 मिनट बाद क्यों आया हो रहा है? क्यों तुम्हारी स्कूटी खड़ी करके आया? पहले उसको साइड में खिसकाया मैंने, उसको उससे क्या मतलब? उससे मतलब है कि वहाँ दूसरी गाड़ी खड़ी करनी थी, मम्मी कह रही थी उसको धोएंगी, तो वहाँ खड़ी करी भाई। अब बाद में धुल जाती है, उसका क्या है? अबे तो हटानी पड़ी ना, फिर ये गाड़ी निकाली, इस पर पूरे कपड़ा मारा, इस पर धूल जाएगी। आपने मेरे से क्या बोला कि बाबा मैं निकल रहा हूँ, तो निकल गया, धूप में खड़े खड़े पूरे तेल तेल हो गया। हाँ बड़ी साइड में से छाव में खड़ा हो जाता, अभी खड़ा हूँ 2 मिनट पहले। हाँ तो देख 2 मिनट पहले आया ना तू? नहीं खड़ा यहाँ पे छाव में 2 मिनट पहले, आपको जब कॉल करा था तो रोड पे खड़ा था मैं। तो क्यों खड़ा था रोड पे? साइड में जाता था, पता है बोला मैं आ रहा हूँ, तो आ ही रहा था, कपड़ा मार रहा था मैं उसमें 15 मिनट भाई। फिर तेरी स्कूटी खिसकाने में वहाँ पे, तो मत खींच निकालते गाड़ी, उससे आया था 7 डबल। ऐसा नहीं होता ना, इसका चलाने का मन इसका, उसको कैसे आया था? तो उसे खड़ी रहने थे, उसे निकाल के आया था। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसे नहीं होता। तो दिखा रहा था लड़कियों के पीछे यार, दोपहर में कौन लड़कियाँ घूम रही है? दोपहर सुबह हो रही है, सुबह ओह सारा पता थे वैकेशन में 9 से 10, 10 से 11 साले। मैं भी था ना भाई स्टूडेंट कभी। तो अभी तक मुझे याद है जैसे हम स्कूल में जैसे कह रहा ना ट्यूशन पढ़ने जाते थे, जैसे सिमरन आती थी बिल्कुल 9 बजे, तो मैं बाइक लेके यहाँ पे जैसे पहले तो सुबह तो साइकिल थी, साइकिल लेके पता यहाँ पे साइकिल लेके आया था, तो यहाँ पे खड़ा रहता था। मतलब मैं जैनुअल हम लोग मतलब 7 बजे थे, तो हमें पता होता था कि भाई कौन सी टाइमिंग है सिमरन की, तो वही आगे खड़े हो जाते थे। चलो मतलब ऐसे नहीं कि वो कुछ कह रहे हैं चुपचाप उसके साथ वहीं पे, क्योंकि शायद जैनुअल या कोई ट्यूशन जाता था उसके साथ। मैंने जैनुअल की ज्वाइन नहीं किया, मैंने ट्यूशन बहुत ही कम ज्वाइन किया है। इंटेलिजेंट है ना भाई हम लोग, शुरू से ही बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट रहूंगा। वो नहीं लेके आया अपडेट आगे, बाकी एक ट्यूशन ज्वाइन किया था पर वो ट्यूशन गया नहीं, तो उसकी फीस फिर हमने ऐसे ही हमने उसके वो खा ली, क्या कहते हैं बर्गर खा लिया। और मैं तो 3 महीने की मेरी मतलब हर महीने की मेरे 3,000 रुपए आते थे अपने स्थान पर। दोबारा क्या कहते हैं इसको, राजा कहीं पे बैठता था? सिंहासन। काफी कमजोर है तुम्हारी हिंदी भी और सब कुछ, मजबूत होना चाहिए। तो अभी हम ऑफ रोडिंग करने के लिए आए यहाँ पे, घुसाते हैं इसमें नाले में घुसाते हैं भाई। चली गई थी वो के नाम पे। अबे ऐसे थोड़ी चली जाते, निकाल देते हैं खेत जोतवाने के लिए। आज हम खेत जोतने जा रहे हैं, हल हमने रख लिए। अच्छा ऐसे खड़ा हो जाऊंगा पीछे नाखून लेके, पीछे पकड़ लेना मुझे और जोत दूंगा पूरा खेत। भैया कैसे देख रहे अक्षर? होली होली पे यही ना आ जाओ किसी ट्यूबल बोल में, सारे जानने वाले भी लेंगे तो बढ़िया ना। होली में मम्मी तो जानने वाले, सबको हैप्पी होली बोल देंगे। अरे तो इसके तो हमारा तो कोई भी जानने वाला ना। इस गांव इस वाले रास्ते को देख के मुझे अपने गांव के सारे रास्ते याद आ गए। नहीं ये बात अच्छे यहाँ पे लोहे वाले बंगले लगा रखे है। क्या जो तार गाड़ी को तार साइड में दूसरे
साइड में लगा देते हैं, लगा देते हैं। सीधा सीधा यहाँ सस्ता बढ़िया, इधर जा रहा है इधर ले जा रहा है, वहां ले जा रहा है। चले पक्की बात है, चलो ना चल इसके ऊपर। देखो क्या करा, वो कहाँ जाओगे चाचा ने पूछा। चाचा से मुझे हाँ जी कहाँ जाओगे, कहाँ जगह मिलेगी, जहाँ जगह मिल जाएगी वही चले जाएंगे जी। है बाग है, बाग में जाना है। तेरा कौन सा बाग है, पेड़ वाले है क्या अब अपने बाग तो ये नहीं पता। 5 साल बाद आया हूँ मैं भी। नलका कहाँ जी, तेरे गाँव से रास्ता आ रहा बाग में लाल लगे यार। लटूर सिंह का बाग कौन सा है, यही से है ना सुद्धा। अरे मुझे याद है यार। अच्छा फिर आगे जाके वो लल्ला बैठता हूँ बाग। गाड़ी जाएगी ना माता, गाड़ी जाएगी। लटूर सिंह का ही पोता हूँ मैं। अच्छा लटूर सिंह का पोता है। अच्छा हाँ जी, कौन से वाले का, वाजपेयी जी का, भाई ऐसे फालतू मत बोलिए। लटूर सिंह का पोता हमारे साथ बैठ के जा रहा। गाड़ी भले यहाँ पे देखे काम जंगल में ले जा रहे। और ये काम पहले भी बोला है, बहस करी पहले तो पूछ, यूरी पहले पूछ रहे। अरे पहले पूछ ले बाग में, भाई स्क्रैच करते हुए जा रहा है मस्त। पर उसमें पता टेंशन नहीं होती इस वाली गाड़ी का, कोई आता ही नहीं है साला। हम ही आए बस यहाँ तो। अरे गाड़ी से सब गांव वाले रास्ते से ये ट्रैक्टर आते होंगे बस, और हमारे ट्रैक्टर के अलावा। देखो पीछे झाड़ी कैसे खड़ी है, ये नीचे अंडरबॉडी मस्त साफ करती जा रही होगी। आम लगे हुए इसमें पता, तो देख के पहचान जाऊंगा अपने खेत। तेरे खेत के आम है, मेरे खेत के लग रहे हैं। इनसे पूछ लेना आम से। अरे लटूर सिंह के आम आप ही हो क्या। नीचे भैया पता तो कर लेंगे, यही वाले किसी और के मारेंगे बहुत, गाड़ी भी रख लेंगे मारेंगे। तुम कोई बात क्या भाई, पूछो लटूर सिंह के बाग यही है क्या भाई। तू जाओ पीटिंग पे के रखियो आराम से, आराम से। वो पूछ ले वो अंकल सामने, बाप पानी कहाँ से आ रहा है। इस जगह पे सिर्फ थार जा सकती है, कोई नहीं जा सकता। हाँ बाप पानी कहाँ से आ रहा है भाई, करा होगा पानी। अबे आ कहाँ से रहा है तू, अपने बचपन में फ्लैशबैक में जाना, देख कुछ ना कुछ याद आ रहा होगा पेड़ों का डिजाइन देख के। तो भाई यही बाग है, तो वहाँ ले चलते ना एक बार, फिर वहाँ थोड़ा घूम फिर के फिर वापस कर लेंगे। वहाँ तक तो चली जाएगी गाड़ी। ये देखो आम लगे हुए भाई, इसमें मस्त मस्त, ये देखो सामने। तो फाइनली ये गांव इसी का ही निकला, इसी का ही है गांव, नहीं बाग। बाग हमारे विचारों को पता नहीं है इनको, हमारे वो है ना ग्रोसरी स्टोर, ग्रोसरी स्टोर है। पता है थार लेने का असली मजा ये नहीं कि फालतू में कहीं भी घुसाओ, असली मजा ये कि अपना गांव हो वहाँ घुसाओ। वहाँ काम आए, बिहाइंड द सीन भी ले लियो। हाँ भी लूंगा वो तो। बिहाइंड द सीन ये छोड़ियो, इसका एक बार छोड़ियो, यहाँ आ जाएगा ये, नहीं तो उठा दे, उठा दे जैक लगा दे। दसवीं उधर लगा ज्यादा मोड़ रहा हूँ। फंसी तो जाएगी, बुला लेंगे फिर ट्रैक्टर वाले को, बुला लेंगे फिर। आशु ट्रैक्टर तो आते तेरे पे चलाना। अरे खड़े होंगे ना इस पे, हो जाएगा ये भाई। तू या तो मैं अंदर बैठूंगा, तू अंदर, मैं बैठूंगा अंदर भाई, तेरा गांव है तू भाग लेते। तो भाई शैम्पू जी अभी पता है ऐसे उछलते हुए जा रहे हैं वहां सामने, जिससे वहां से शूट कर सके, क्योंकि यहाँ पर रास्ता है। अबे कहाँ बैठ गया ये, टट्टी करने बैठ गया क्या। अबे भैया ओ वहाँ आगे चल, आगे बड़ा तेज हो रहा है, चलना ना पड़ जाए बिल्कुल ही। अरे निकल ले भाग रही है साइड में, चल अब निकल। अब बैठ जा फिर क्या होगा भाई, उधर रखो ना, क्या कर रहे हो भैया उधर रखो ना। भाई मुंह पे मारोगे क्या, ऐसे नहीं करना। भाई बहुत ही खतरनाक लग रही फोटो की जालिश का, बहुत ही खतरनाक लग रही पेड़ों के बीच में। हाँ चलो फोटो खींच दो भाई, फोटो खींच दे। हाथ में एक काम कर, मेरी फ्लाइट की चप्पल मत लेना प्लीज। हाथ में एक काम कर, बोले ले आम पकड़ ले,
कितने क्या बन जाओ रस का ऐड नहीं करती माजा का माजा लेके आने थी कहाँ करने आए भैया शुरू सुबह क्या करने आते हैं आम के बाग में घूमने आए अपने आम के बाग में घूमने सामने साथ में गोल्ड लेके आए हो भाई गोल्ड इसलिए लेके आया ना गर्मी काफी है पानी पीते रहना चाहिए टाइम टू टाइम पानी पी रहे हो पानी धो रहे हो पानी नहीं पानी से धो रहे हैं कई ट्यूबवेल होना चाहिए वहाँ बैठ के आराम से मस्त खाना बनाए मैगी बनाओ मैगी क्या यार अच्छा चिकन बना अच्छा अरे वो नहीं थे जो केरला का चैनल है किचन वाला वो मूवी में आ रहे हैं चलता हूं कहां आए ना देखते हैं इधर हमारा पीर ही जगह रहता है ये सब में आम ही रखे क्या ये सब तस्करी हो रही है आमों के नीचे सोना छिपा हुआ है इसमें पकड़ ले तो पीछे से ना इसे पकड़ ले साला तो अबे हां ओ पकड़ो 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 ओ साले आम लेके भाग रहे तस्कर ओए ओए इधर ला अरे आम चोर अबे आम के बाग में कटहल भी है भाई यहाँ पे भैया ये वो आ गई है क्या बोलते हैं इसको नाला ये वो वाला नाला है जो वहाँ पे पाउडर मिलता है वाटर क्रॉसिंग उधर ट्यूबवेल है भाई ट्यूबवेल पे चलते हैं यहाँ पे आवाज कैसी आ रही है चिट कितनी भयंकर कोयल की आवाज भी आ रही है साथ में अबे वहाँ वॉलीबॉल का बना रखा है खेलने का देख ट्यूबवेल तो आ गया इधर भी आम की तस्करी चल रही है शैम्पू यही नाले नाली में चल दिए तुम उत्तराखंड एक्सप्लोर करते हैं पर बाघ के बारे में तुम्हें पता नहीं है इसमें कच्चे आम पक रहे हैं इसमें तो पका के बेचेंगे यहाँ से केमिकल में पकाते हैं तो अच्छा भी क्या होते हैं जो तुम मार्केट में खाते हो ना हाँ तो वो सारे मैक्सिमम ये होते हैं इनको ना केमिकल में डाल के पका रहता है कच्चे टूट के ना हाँ उन्हें पका देंगे कुछ होता है साले नाम होता है चढ़ जाऊंगा चढ़िया अच्छा ये वाली है इसमें पाइप चलो इसको हटा देते हैं इस पाइप को ना हाँ हटा देते इसमें आम घुलते हैं अच्छा इसमें इसमें नहा भी सकते हैं मस्त है तो इस पे तो नहाता था यार आम खाएगा शैम्पू कच्चे हैं अभी यार अभी मत तोड़ना फिर तोड़ नहीं रहा कच्चे हैं अभी हैं चलो भाई चले एक फोटो तो खींच दे मेरे बाहर सही कह रहे हैं भैया आर पार थार है कहीं से भी जाएगी आर पार थार कहीं से भी निकल जाएगी तो वही लगभग क्या टाइम हो रहा है अभी ये तो कहीं यही देख लेते हैं लो फ्यूल भी आ गया भैया 10:44 मतलब 11 बज गए 9 बजे करीब आए थे ना दो घंटे हमने वेस्ट कर दिया अपने वेस्ट नहीं है? हमने एक्सप्लोर किया हमने मतलब एक्सप्लोर किया आज हमने आम के बाग जो है एक्स्प्लोर वो एक्सप्लोर करे डील क्रैक करी है किस तरह के आम होते हैं जैसे हमें पता चला यहाँ पे इस टाइम पे दशहरी आम हो रहे हैं इस जगह पे ठीक है और हम कौन से लाटू सिंह के बाग में आए हम है ना लाटू सिंह थे ना मैं भी गलत ही कह रहा हूँ अच्छा लटूर सिंह के बाग में आए भाई और बताओ है ना जब लटूर सिंह जी के बाग में आया जी लगाना जरूरी भाई बड़े हम चलो अभी चलते हैं यहाँ से यहीं से मेरी जीत तुत ला गई थी अपने चलो अभी चलते वैसे पता है पेड़ों के नीचे इतनी गर्मी लग रही जितनी धूप में लगती है तो पेड़ों के नीचे ना वैसे अगर चल लेना तो ठीक है खड़े हो तो मस्ती लगती है हुक्का रखा हुआ यहाँ पे ऐसा हमको हुक्का पीते हैं बैठ के अच्छा घर पे पिला देते अंकल जैसे तू भी पीता है हुक्का पापा के साथ बैठ जाओ तुम हुक्का पीने आईपीएल का मैच देख रहे हैं हमारे गांव में भी ये सब चीज मतलब बहुत नॉर्मल है ये किस ये भी तेरे भाई का घर है चलो भाई सही बना रखा है तूने तो गांव में तुमने महल बना रखा पूरा है भाई ये मेरे चाचा जी का है प्रधान जी है यहाँ गांव के तुम तो अमीर आदमी हो तो अमीर अमीर आदमी निकल के आ रहे हैं
यहाँ से मुड़ जाएगी गाड़ी, हम गांव में अंदर। दिक्कत है यही मैं सोच रहा था, नहीं प्रधान ये प्रधान जी अब तो क्या कहते हैं तोड़वा देंगे, अगली बार वोट नहीं देगा कोई अगर घर तोड़वा देते। हमारी स्कूल में छोड़ा करती थी यहाँ से। तू मजाक कर रहा है क्या? नहीं मुड़ तो जाएगी थोड़ा सा आगे पीछे करके, आगे पीछे करने के। चलो भैया अभी प्रियांशु को छोड़ दिया, शैम्पू जी को छोड़ दिया, शैम्पू जी नहाने गए, बस आधे घंटे में वापस आ रहे हैं काम पे अपना लगेंगे। लगभग 11 बजे के 11:30 तक काम स्टार्ट करेंगे। मैं भी नहाऊंगा, मैं भी नहीं नहाया हूँ। और अपना भाई भूख लग रही है, पता नहीं बहुत तेज आज तो कुछ खाएंगे बढ़िया अपना मस्त। नाश्ता पे तो क्या हुई, मैं लगता आज जहर पीना पड़ेगा। किसका जहर पियेंगे देखते हैं, आज किसका जहर बनाया सिवन ने। ठीक है तो जूस पियेंगे सब्जी का किसी का, और उसके बाद फिर देखते हैं क्या है खाने में। कहाँ जा रही हो भाई? कहाँ पूजा करने आ रही हो माला टांग के? मैं छोटा बाबा हूँ। आ जाओ, मैं ही ले रहा। ये देखना क्या हो गया सीट का बाइक की। ये चलाऊं तो? तो इस पर अभी ये डाल देते हैं भाई। ये उस दिन जो साइड में आग लगाई थी ना उन लोगों ने, तो वहाँ से वो जो जल जल के आ रहे थे ना, वो उसकी वजह से जलाए। नुकसान और हो जाता है फालतू में। चलो